हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये केवीएस पीआरटी वालों के लिए एक वार्निंग और गाइडेंस, कुछ भी समझ सकते हो। और ये चीज़ें सामने आती कहाँ से है, क्योंकि जो मैं बच्चे पढ़ा रहा हूँ या जिनसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, वो बताते हैं कि मार्केट में ये चल रहा है। इस वजह से फिर मैं सोचता हूँ कि मेरा ये मैसेज देना ज़रूरी है, चाहे आप लोग समझो या ना समझो, ठीक है। और ये केवीएस वालों के लिए ही क्यों, सॉरी, पीआरटी वालों के लिए ही क्यों वार्निंग है, क्योंकि आप लोगों के साथ ही हर साल हर बार ऐसा होता है कि आपका सिलेबस पैटर्न चेंज होता है, ठीक है। अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ सुनने की कोशिश करना, आप एक से दो मिनट लगेंगे और सिर्फ सुनने की कोशिश करना। क्या कि जो भी आपका सिलेबस दे रखा है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में नंबर वन बनने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने आप को नंबर वन बनाने के लिए, कोई अगर इतना करा रहा है तो कोई उससे ज़्यादा कराएगा, फिर तीसरा वाला उससे ज़्यादा कराएगा, चौथा वाला उससे ज़्यादा कराएगा। तो वो कोर्स को कुछ और से कुछ और में कन्वर्ट कर दे रहे हैं सिर्फ अपने आप को नंबर वन बनाने के लिए। तो आपको करना क्या है, चाहे आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आपका जो सिलेबस दे रखा है, आपको जो सिलेबस दिया हुआ है, जो आपका सिलेबस केवीएस पीआरटी का केवीएस ने दे रखा है, सबसे पहले आपको उस सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं एनसीईआरटी रिसोर्सेज से, ठीक है ना, सीबीएसई रिसोर्सेज से पढ़ने हैं। उसके बाद उस पर बेस्ड एमसीक्यू करने हैं और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। और अगर ये सब करने के बाद भी आपके पास समय बचे और आपको लगे कि नहीं, इससे ज़्यादा आ सकता और इससे ज़्यादा मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या करना चाहिए, उसके बाद करें, वो सेकंड स्टेप है। क्योंकि मेरा एनालिसिस ये कहता है कि आपका जो पेपर है वो एनसीईआरटी से ही आएगा, लेकिन डेप्थ में आएगा, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी अगर मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करेंगे और आप लोग ऐसे लोगों के पीछे भागते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली नुकसान हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये उनके लिए है। किन के लिए? सबसे पहली बात, आपको सिलेबस करना है जो दे रखा है गिवन, फिर उसके बाद उसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है, एमसीक्यू करने हैं, फिर अगर आपके पास समय बचता है और वो बचता है, समय और हिम्मत बचती है, तो फिर एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई लोग एक्स्ट्रा के चक्कर में जो उनका ऑथेंटिक सिलेबस है, जो उनका सिलेबस केवीएस ने दे रखा है, वही नहीं कर पाते हैं और फिर बाद में एक्स्ट्रा तो आए ना आए, लेकिन वो तो आएगा ही, तो बहुत नुकसान होगा। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्षमता सिर्फ एनसीईआरटी तक ही हो सकती है अगर वो बहुत मेहनत करें तो, और वो एक्स्ट्रा चीज़ों के पीछे भागेंगे तो उनका एनसीईआरटी तो हुआ नहीं, क्योंकि सबसे पहले मेन चीज़ करना ज़रूरी है ना, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उसे पॉइंट टू पॉइंट सारे टॉपिक, सिलेबस में जो भी टॉपिक लिखे हैं सारे टॉपिक गूगल से, किताब से, कहीं से, वो सारे टॉपिक कर लो। उसके बाद एमसीक्यू करो और उसका मल्टीपल टाइम्स, कम से कम 3 से 4 बार आपको रिवीजन करना है सारे सिलेबस का। फिर आपके पास समय लगे तब आपको एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा आ सकता है वैसा आ सकता है, कैसा आएगा अभी नहीं पता, और वो पता आपको ही चलेगा सबसे पहले। तो ये गलती ना करें, बहुत बड़ी गलती होने वाली है ये पीआरटी स्प्रेड की। और जो पेपर निकालेंगे वो वही होंगे जिन्हें पता होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। धन्यवाद।